आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। रुद्र, शिवानी तुझे गाड़ी के लिए क्या मना कर दिया? तेरा तो चेहरा ही उतर गया। बात गाड़ी की नहीं है, भैया ने बोला मैं कुछ कर नहीं सकता। उन्होंने बोला कि मैं सबकी टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता। ओ, आप ही बता, ये उनकी टांगे हैं क्या? अब देखना, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। क्या करके दिखाएगा? मैं वो अभी मैंने सोचा नहीं है, बट हाँ कार मैं आज ही लूंगा। वेटर, चेक। सर बिल। ओ वेट, सर बिल तो 1000 रुपए का है, लेकिन ये तो 10,000 है। रख ले यार। थैंक यू सर। चले। ये पूरे 25 लाख है। ओ जी, आप ये क्या बोल रहे? हमारी गाड़ी मुश्किल से 6 महीने पुरानी है। पूरे 1 करोड़ में ये गाड़ी खरीदी है। अब्बू के ऑपरेशन के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए सिर्फ 40 लाख में बेच रहे हैं और आप उसके लिए भी इनकार कर रहे हैं। देखिए मैडम, ये पूरे 25 लाख है, लेने हैं तो लो, वरना डील कैंसिल। नहीं नहीं, आप डील कैंसिल मत कीजिए। फिर से एक बार गाड़ी की तरफ देख तो लीजिए, स्पोर्ट्स विंटेज कार है, एक बार देख तो लीजिए प्लीज। कार मांगी थी, ये तो स्पोर्ट्स एंड विंटेज दोनों है। स्पोर्ट्स भी विंटेज भी, टू इन वन ना। हाँ देखो, मेरे को भी पसंद आएगी और शिवाई भैया को भी बहुत पसंद आएगी। प्लीज प्लीज, एक मिनट में कार की डील करके आया। रुद्रप अब प्लीज। सी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई एम नॉट। 25 लाख वाले अंकल, एक मिनट। आई एम सॉरी बट हमने आपकी बातें सुनी अभी। आपको कार इन्हें बेचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उस कार के 40 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। जी आप श्योर है? बिल्कुल। रुद्र, एक मिनट, क्या 1 करोड़ की गाड़ी वो 40 लाख में बेच रही है, कुछ गड़बड़ है। चेहरा देखो यार बेचारी का, कितनी मासूम है। बुरखे में क्या दिख रहा है तुझे? और जिसके पास 1 करोड़ की गाड़ी है उसके पास 40 लाख रुपए नहीं होंगे? ओ होता है, सबका बुरा वक्त आता है, मेरा भी आया था। मेरे ऐप दिखने बंद हो गए थे। ओ ये डील गलत है। आईज देखो, आईज देखो। प्लीज जल्दी मत करना। ओ एक बार गाड़ी को तो देखो। और मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, आज तक ना भैया ने ऐसी डील नहीं की होगी। रुको एक मिनट। हेलो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ना महेश को फोन दो। ये लीजिए 50 लाख रुपए। जी हमें तो सिर्फ 40 लाख की जरूरत है। रख लीजिए, आपके पापा हॉस्पिटल में हैं, आपके काम आएंगे। शुक्रिया। अगर दुनिया में सब आप जैसे हो जाए तो जीना कितना आसान हो जाएगा।
ये गाड़ी की चाबी। और गाड़ी के पेपर्स? जी वो गाड़ी में है। देखा हो रुद्र की लाइफ की पहली डील। चल रहे हैं रुद्र ओबरॉय के। गाड़ी बुरी नहीं है, ये डील भी बुरी नहीं है। वो अब भैया को पता चलेगा कि उनका छोटा भाई क्या चीज है। अब आप आ रहे हो या मैं राइड पे अकेला जाऊं? तू नहीं सुधरेगा। इस पत्थर को मैं उतनी जोर से फेंकती जैसे मैंने उसे चिप फेंकी थी, फिर ये जाकर पत्थर वहीं गिरेगा। स्मार्ट कैसे तू अनिका? ये तो यही गिर गया। काम करती हूँ, रिवाइंड करती हूँ। मेरा मूड बहुत खराब था, वैसे ही गुस्से में फैला। ये क्या हो रहा है यार? अनिका तुझे ही ये रायता समेटना है। एक लास्ट ट्राई कर, लास्ट ट्राई हो जाएगा, चिंता मत। डील हो गई पूरे 50 लाख में। भगवान आवी डिग्री सबको दे। भगवान आवा पप्पा सबको दे। ये 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 रिलैक्स। पप्पा मारो लेंस की डाबों ने आंखों बड़े छे। ये आप पकड़ो। पप्पा खबर छे इतने बड़े इडियट्स ना मैंने आज तक नहीं देखे। पर पापा वो लोग थे बहुत क्यूट। और वो जो लंबे बाल वाला था ना, वो तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रहा था। पता नहीं खुद को क्या समझ रहा था। पर हम दोनों ने मिलकर उनको भी उल्लू बना दिया। पप्पा पर जो जितना ज्यादा स्मार्ट बनता है हम उसे उतना ज्यादा काटते हैं। ये तुम्हारी डिग्री। तुम्हारा पप्पा। पप्पा जोवे छे। भाई महंगी गाड़ी के साथ साथ पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। हाँ कुछ गड़बड़ है। नहीं पापा मैं क्या सोच रही हूँ। 50 लाख तो मिल गए। आई थिंक बाकी के 1.5 करोड़ भी इन्हीं लोगों से मिल जाए। मैं आज ही इन पर रिसर्च शुरू करती हूँ। बिल्कुल बेटा, जो लोग वेटर को 10,000 रुपए टिप दे सकते हैं वो अपनी तो लॉटरी लगा सकते हैं। क्या? मैं आ रहा हूं भैया। माफ कीजिए ओबराय साहब, हमें इन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। एक्चुअली में इनके खिलाफ जिसने कंप्लेंट की है ना, उसने इनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया है।
इसलिए करना पड़ा। वैसे सर हमने अभी तक एफआईआर नहीं की है और सीधे आपको फोन कर दिया। थैंक यू। देख कितने प्यार से देख रहे तेरे भाई। जा 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 गोद में कूद उनके और बोल कितना कमाल का डील किया तूने। बता बता जा। भैया मैंने कुछ नहीं किया, ये सब वो ने किया। मैंने तो बोला था वो लड़की फ्रॉड है, पर पता नहीं इनको उसके आंखों में क्या ऑनेस्टी दिखाई दे रही। गरीब लड़की बेचारी लड़की, भैया 40 लाख मांगे थे उसने, इन्होंने 50 दिए। वो आप इतने स्टूपिड कम से हो गए यार। शट अप रुद्र, तुझसे बाद में बात करूंगा। रिलीज। ओके शिवाय सर, आप पुलिस स्टेशन आ सकते हैं क्या? मैं इस वक्त ओशिवरा पुलिस स्टेशन में हूं। नहीं सर, आपको जू पुलिस स्टेशन आना है। जिस लड़की को आपने अरेस्ट करवाया था ना, वो इस वक्त लॉकअप पे है और वो बोल रही है कि आपने उसे यहाँ भेजा था। What? सर उस लड़की ने आपका नाम लिया इसलिए आपको कॉल किया, वरना इस पे तो बहुत बड़ा केस बनता सर। लड़की को छोड़ दो। ने तुम्हारी बेल कर दी है। I'm sorry. Finally. I'm sorry, Inspector sir. वो मैं आपको नहीं मारना चाहती थी, वो तो मैं पत्थर फेंक के देखना चाहती थी कि कितनी दूर तक जाता है। गलती से आपको लग गया। मुझे जब गुस्सा आता ना तो मेरा तो मन करता है कि मैं बैग उठा के ना सीधा शीशा ही फोड़ूं इसको। अच्छा तो बहुत गुस्सा आता है ना तो मेरा तो मन करता है कि मैं अपनी चंपा हुई ना किसी पे चढ़ा दूं। पर फिर मैं सोचती हूँ कि छोड़ो, एक ही चंपा है ना मेरे पास। तो चंपा? ओह मेरी स्कूटी का नाम चंपा है। स्कूटी का भी नाम होता है? अरे आप स्कूटी की बात कर, मेरी तो हर चीज का नाम है, कुर्सी टेबल तकिया गिलास। अगर ये जरूरी बातें खत्म हो गई हो तो बता देना। अरे मेरे वजह से किसी को तकलीफ हुई है, मुझसे गलती हुई है, मैं ठीक से सॉरी भी ना बोलूं क्या? अच्छा तो मैं ये कह रही थी कि सर आप मेरी ना भाभी से बात करा दीजिएगा। हो गया? ये सब आपकी गलती है। आपको पता है आप जब से मुझे मिले हैं ना सब कुछ उल्टा हो रहा है। पहले मैं वो लैंडस्लाइड में फंसी, फिर मेरा भाई किडनैप हुआ, और हाँ हवाला आपकी हवा भी खा ली है मैंने 2 बार। और मैंने देखा है कि मेरी तो चप्पल भी ज्यादा टूटने लगी, मेरी स्कूटी चंपा का भी एवरेज कम हो गया। ऐसी ऐसी सैड स्माइली बन के रह गई है मेरी लाइफ जब से मैं आपसे मिली। चिप, चिप कहाँ? एक मिनट ये लीजिए, इस चिप की वजह से चिपके हुए थे ना मेरी लाइफ में, अब ये चिप गई तो मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। पहली बार तुम और मैं किसी बात पर अग्री कर। हेलो, हाँ हाँ मैं आ रही हूं, बस जल्दी पहुंच जाऊंगी। पैसों का इंतजाम हो गया है, बस आके फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगी। थैंक यू।
कभी कभी रियलिटी इतनी मुश्किल हो जाती है कि उससे भागने का हम जरिया ढूंढते हैं, लेकिन जो भागते हैं ना वो जीतते नहीं, और तुझे जीतना है। हेलो वकील साहब। सर वो मैं दिल्ली वाले लॉयर से मिल नहीं पाई, आप मेरी एक और मीटिंग फिक्स करा देंगे प्लीज? जी 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 जी, थैंक यू सर। अब तेरी वजह से जेल भी जाना पड़ा। सो व्हाट, 20,000 में शाहरुख खान पूरी पिक्चर में जेल में रहे थे, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। कूलेड़ा। ये कूलेड़ा ना शिवाय को बोलना। क्यों भाई, वहां से तो भैया जल्दी चले गए थे, अब वापस यहाँ पे आके वो मेरी बैंड बजाएंगे। भैया घर पे तो नहीं है ना? ओए रुद्र, ये चोरों की तरह कहाँ जा रहा है, और ये जूते क्यों हाथ में पकड़ रखे हैं? दादी ये घर आपका मंदिर है, और मंदिर में रुद्र जूते नहीं पहनता। ये पार्टियां करता है, हैं? वाइन पीता है, निक्कर वाली लड़कियों के साथ अंग्रेजी गानों पर नाचता है, तब नहीं पता चलता कि घर एक मंदिर है। बता जल्दी क्या करके आ रहा है। बता भैया, रहने दो ना। दादी आपके पोते इतने शर्मीले हैं कि अपनी तारीफ खुद अपने मुंह से नहीं करेंगे। वैसे आज इन्होंने ओबेरॉय खानदान के नाम को 4 चांद लगा दिया। अरे वाह, ऐसा क्या किया है इन्होंने? अरे दादी छोड़ो, खाना खाते हैं ना। भैया क्यों ले रहे हो मेरी क्लास? दादी वैसे आज आपका ये डंबल ओबेरॉय और ये लॉन्ग हेयर ओबेरॉय, 1 करोड़ की डील इन्होंने 50 लाख में पूरी की है। वाह मेरे लाल। दादी दादी आपके लाल को रूम में ले जाके लाल पीला करता हूँ। नहीं 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 भैया, रूम में नहीं, हम किचन में जाएंगे, किचन में आपका मूड अच्छा होता है। भैया चलो चलो, ओ चल 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 चल, चल। So, मैंने टेंडर के सारे पेपर साइन कर दिए। टेंडर का कब तक पता चल जाएगा? 1 हफ्ते में टेंडर खुल जाएगा। थैंक यू सर। भैया ये क्या है? डोंट टच इट। मैंने सुबह सुबह मैरिनेशन के लिए रखा था, बैठे बैठे बोर हो गया था, और तुम लोगों ने आज कुछ काम नहीं करने दिया, राइट? एंड आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट अबाउट दिस। बट मैरिनेट क्या गया? खुशबू। डोंट टच इट रुद्र, डोंट टच इस डिश। शिवाय सिंह ओबेरॉय सिर्फ 3 चीजों के बारे में टच ही है, उसकी हाइट, उसके बाल और उसका डिश। वैसे मिस्टर शेफ, आज कौन सा ताजमहल खड़ा किया आपने? आज ताजमहल नहीं, एक नई रेसिपी ट्राई कर रहा, मशरूम विद पनीर एंड बाल्समिक विनेगर एंड ओरेगानो। भैया बट ये बनेगा कब तक? ऑन करो, ऑन करो। वैसे ताजमहल से याद आया, तेरी मोनालिसा कैसी? बहुत लगी है यार। भूख तो लगेगी ही ना, जेल में इतना अच्छा खाना मिलता कहाँ है? श्वेतलाना, लोगों को ऐसा लगता है कि डिवोर्स एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। अनहैप्पी मैरिज इज अ बिगर ट्रेजेडी। अब मैं ये बर्डन नहीं उठा सकता, मैं जानवी को डिवोर्स दे रहा हूं, ताकि तुम और मैं लीगली एक दूसरे के हो सकें।